नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हास्य की आवाज़। आज हम बैठे हैं दत्तरवाल आई एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल के अंदर, जहां एक रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर उर्मिल दत्तरवाल से बात करेंगे। शी इज़ वेरी पोलाइट एंड हम्बल एज वेल एज ए ग्रेट डॉक्टर आल्सो। और ये दत्तरवाल हॉस्पिटल आप जानते हैं कि बहुत दिनों से यहाँ इस उपमंडल की ही नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट की अपनी सेवाएं दे रहा है। और एक ऐसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से हम बात करेंगे। दीपावली का सीजन है, वायरल भी है, डेंगू भी है, और कुछ ऐसे पोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे इनसे। तो आइए एक मीठी सी मुलाकात करते हैं डॉक्टर उर्मिल दत्तरवाल, वन ऑफ द रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हांसी की आवाज़ पे मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यार, वेलकम ऑन द हांसी की आवाज़। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक वायरल बहुत चला हुआ है, सीजन भी बदल रहा है, दीपावली आ रही है, डस्ट भी बहुत है, तो क्या क्या होती है और ये गर्भवती महिलाओं को आप क्या सजेशन देना चाहेंगी, एडवाइस करना चाहेंगी? गर्भवती और आम आदमी भी, सभी को अपना ध्यान रखना चाहिए। सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक तो आजकल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इतनी सारी स्मोग हो रही है बाहर। बेटर है कि आप अपने घर में ही वॉक कर लें, वो बेटर है। और बाज़ार वगैरह में भीड़ इतनी सारी ज़्यादा है, तो अपना मास्क लगा के बाज़ार में जाएं, बिना मास्क के ना जाएं। एक डेंगू पर मार रहा है, डेंगू का मच्छर यानी कि डंक फैला रहा है, और ऐसे में जब जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, खासकर उन्हीं के बारे में फोकस कर रहा हूं, उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? पूरी बाजू के कपड़े पहने, खुले में अगर जा रहे हैं तो अपने घर के अंदर भी ध्यान रखें कि आपके जितने भी कूलर वगैरह हैं उनके अंदर पानी ना हो, वो खाली रहें, क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी, ऊपर से अगर आपको डेंगू हो गया तो दोनों ठीक नहीं है, ना माँ के लिए ठीक है डेंगू, ना बच्चे के लिए ठीक है। मिसकैरेज होने का डर रहता है क्या? हाँ जी। और क्या कहना चाहती हैं महिलाओं को जो यानी कि गर्भधारण कर लेती हैं, उनकी डाइट के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? बड़ी लीन हो जाती हैं, कुछ मेनोपॉज स्टेज के ऊपर भी उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, हार्मोनिकल डिसऑर्डर होते हैं। हार्मोनिकली जो मेनोपॉज जिनको है उनकी तो डाइट बिल्कुल ही अलग है, और जो प्रेग्नेंट हैं उनकी डाइट बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि डाइट हर एज में, जिस एज में महिला है, बच्चा है, प्रेग्नेंट की हालत में है या मेनोपॉज वाली में, हर एज में डाइट का फर्क है। और सब स्ट्रेस में रहती हैं काफ़ी हद तक, और जब गर्भवती महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी और कैसा लिटरेचर पढ़ना चाहिए, लास्ट पर्सन मैं आपसे कर रहा हूँ। सबको ज़रूरत है योगा, प्राणायाम, सैर करना। स्ट्रेस सबकी लाइफ में है, लेकिन प्रेगनेंसी में तो जितना आप कम सोचेंगे उतना बेटर है। अपनी डाइट का ख्याल रखें, खूब सारे फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं, दालें खाएं, बादाम खाएं, अखरोट खाएं, और काले चने खाएं, कच्ची मूंगफली खाएं भिगो के, रात को भिगो दें फिर सवेरे खाएं, तो अच्छी सेहत रहेगी। अच्छा, मैं एक पर्सनल बात कर रहा हूँ कि आप बिग बी में भी गए थे और अमिताभ बच्चन जी के साथ भी आपने चेयर शेयर की थी, और यू हैव मेंटेन योर सेल्फ वेल वर्स्ट, मैं देख रहा हूँ कि आपने अपनी मेंटेनेंस पूरी रखी हुई है, तो क्या राज है ये? मेरी जो डाइट है और मेरी एक्सरसाइज दोनों फिक्स हैं, नो पेन नो गेन। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे आप फिट नहीं रह सकते, आप खाने का ध्यान नहीं रखोगे तो भी आप फिट नहीं रह सकते। तो ज़रूरी है आपके लिए कि आप हेल्दी खाएं, हेल्दी सोचें, अच्छा काम रहें और मस्त रहें। और वहाँ भी आपको सब लोगों ने, करोड़ों लोगों ने देखा बिग बी पर आपको। मेरे को, मेरा मानना है कि सबको ये एक्सपीरियंस करना चाहिए, यू शुड कीप ऑन ट्राइंग। आपकी कभी ना कभी बारी तो आएगी, वो जो एक्सपीरियंस है वो लाइफ में अलग ही है, वो एक्सपीरियंस आपको कहीं और नहीं मिल सकता। बिग बी के सामने बैठना, उस कुर्सी पे बैठना, इतने सारे कैमरेज को, जो कैमरे हैं वहाँ पे उनको फेस करना, और पूरी दुनिया आपको जानती है उसके बाद। दीपावली का यानी फेस्टिवल आ रहा है, आप क्या शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हैं? मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं लोगों को, हांसी के लोगों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों के लिए भी है कि भाई सबकी हेल्थ, सबकी वेल्थ बहुत अच्छी रहे।
और पटाखों के लिए क्या कहना चाहते हैं? पटाखे तो नहीं चलाने चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है छोटे बच्चों से भी, जो पटाखे के आप पैसे हैं वो किसी गरीब को दे दें वो अच्छा है, या उस पैसे से आप अपनी बचत कर लें वो भी बेटर है, क्योंकि जितना पहले ही इतना एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है और आप पटाखे चलाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं है, कितने डॉग्स हैं या और एनिमल्स हैं आपके पटाखों की वजह से, उनके कान में इतना पेन होता है बेचारों के कि वो छुपते हुए घूमते हैं। तो आपको मेरी सलाह है कि पटाखे ना बजाएं और वो पैसे किसी गरीब को दे दें या उसको अपने बचत खाते में डालना शुरू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दत्तरवाल जी, आप एक रिनाउंड यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, इसी तरह आप सोसाइटी की सेवा करती रहें और करती भी आई हैं, ये हमारा मानना है। फिर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं दीपावली की, धन्यवाद सबको, ढेर सारी शुभकामनाएं, देखते रहिए हंसी की आवाज़। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, नमस्कार।